नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में खाली पड़े विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जोर आजमाइश कर यूपी फतह करने की कोशिश में हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट करहल में इस बार बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जी हां, इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने उन्हीं की बहनोई को मैदान में खड़ा कर दिया है। सफाई परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बना दिया है। वो दूर के रिश्ते में अखिलेश के बहनोई लगते हैं। दोनों ताल ठोक रहे हैं कि इस बार तो परिवार ही आपस में उलझ पड़ा है। ऐसे में बीजेपी को फूट का कितना फायदा मिलने जा रहा है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या अखिलेश यादव अपने ही गढ़ में फंस गए? क्या करहल की सीट पर योगी की गुगली काम कर गई? क्या अब अखिलेश यादव अपनों से ही करेंगे मुकाबला? इस तरह के सवाल उपचुनाव में उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। वजह यह है कि सफेद परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव के सामने बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बना दिया है। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। अनुजेश की पत्नी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन बेबी यादव मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। वहीं अनुजेश की मां उर्मिला यादव भी विधायक रह चुकी, यानी मुकाबला बेहद कड़ा है। दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने अखिलेश यादव को फंसा दिया है। दरअसल बीजेपी की रणनीति यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की है। अगर यादव वोट बटा तो अखिलेश फंस जाएंगे। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावे अपने अपने हैं, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती तो जरूर खड़ी कर दी है। 22 साल पहले एक बार ही इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब वो इतिहास दोहराना चाहती है। अयोध्या की हार का बदला करहल की जीत के साथ लेने का बड़ा दांव बीजेपी चल चुकी है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि करहल के यादव मुलायम सिंह के बेटे का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि करहल विधानसभा में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, जिनकी तादाद 30% है। और यहाँ पर एसपी और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी यादव वर्ग से। इसके अलावा दो और उम्मीदवार भी यादव ही हैं। इसलिए दावा है कि इस बार यादव वोटर कंफ्यूज हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।